हेलो गाइज, जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने का एक मस्त सा तरीका बताता हूँ आज। जैसे किसी स्ट्रिंग के बीच में वेरिएबल यूज करना है, तुम क्या करते हैं, हाफ स्ट्रिंग फिर प्लस स्ट्रिंग, ऐसे हम लिखते जाते हैं। या हमें स्ट्रिंग के बीच में सिंगल कोट या डबल कोट यूज करना है तो भी हमें प्रॉब्लम होती है, हमें देखना पड़ता है कि हमारा जो कोट यूज करना है उससे पहले का कोट क्या है, यानी सिंगल कोट से पहले डबल कोट होना चाहिए, डबल कोट से पहले सिंगल कोट होना चाहिए। या हमें किसी स्ट्रिंग को मल्टी लाइन प्रिंट कराना होता है तो हम क्या करते हैं, स्लैश एल देते हैं स्ट्रिंग के बीच में, या फिर हमें दो स्ट्रिंग क्रिएट करनी होती है, उन्हें अलग अलग बार प्रिंट कराना होता है, तो इससे हमारा कोड काफी अनस्ट्रक्चर्ड होता है, क्लीन नहीं रहता है। इन सभी को हम एक सिंपल से सॉल्यूशन से प्रिवेंट कर सकते हैं। वो क्या है, हम बैकटिक सिंटैक्स यूज कर सकते हैं। तो इस समय जो हमने पहली प्रॉब्लम बताई वो सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, हमारा कोड भी काफी स्ट्रक्चर्ड और क्लीन रहेगा। जैसे हम वेरिएबल यूज करना है तो हम स्ट्रिंग के बीच के अंदर डॉलर और कर्ली ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल दे देंगे तो वेरिएबल यूज हो जाएगा। इसके अंदर बीच में हम सिंगल कोट डबल कोट यूज कर सकते हैं। इसको अगर मल्टी लाइन प्रिंट करना चाहते हैं तो इसको मल्टी लाइन डिक्लेयर कर देंगे, तो बैकटिक से हम सारी प्रॉब्लम को आसानी से सोल्व कर सकते हैं।